नमस्कार, मैं हूं स्वाति वर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिकेशन न्यूज। वक्त हो चला है दिल्ली की बड़ी खबरों का। रुख करते हैं पहली खबर की ओर। अरविंद केजरीवाल पर स्वाति मालीवाल का वार। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। केजरीवाल ने गुरुवार को विधानसभा में विभव कुमार का नाम लेते हुए जब ये कहा कि उन्हें और उनकी पार्टी के नेताओं को झूठे केस में फंसा कर जेल भेजा गया, तो स्वाति मालीवाल बिफर पड़ी। अरविंद केजरीवाल जिस गुंडे ने मुझे आपके निवास पर आपकी मौजूदगी में मारा, जब तक वो जेल में था आपने देश के सबसे महंगे वकीलों की फौज उसे बचाने के लिए खड़ी करी, मेरे खिलाफ पीसी पे पीसी करवाई। सुप्रीम कोर्ट तक ने बोला कि ऐसे गुंडों को अपने निवास में कौन रखता है। इनके इन वाक्यों से विभव जैसे गुंडों के हौसले बुलंद नहीं होंगे तो और क्या होगा। संदेश साफ है, दोबारा मारपीट भी करोगे तो हम बचा लेंगे। स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल पर सोशल मीडिया के जरिए हमला बोलते हुए लिखा कि हर दूसरे दिन खुद की तुलना मर्यादा पुरुषोत्तम राम से करवाते हो, इतना अहंकार ठीक नहीं है। जो अपनी पार्टी के महिला सांसद के लिए स्टैंड नहीं ले सकता, वो दिल्ली की महिलाओं के लिए भी क्या स्टैंड लेगा। वही अरविंद केजरीवाल की Z+ सुरक्षा नहीं होगी वापस। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की Z+ सुरक्षा वापस नहीं होगी। वहीं मुख्यमंत्री आतिशी को फिलहाल एक कमांडो, कुछ पुलिसकर्मी और एस्कॉर्ट कार दी गई है। उनकी सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है। इधर दिल्ली में ट्रक और डंपर की टक्कर, ओखला विहार तक लगा लंबा जाम। दिल्ली में शुक्रवार मथुरा रोड पर एक भयंकर एक्सीडेंट होने के बाद जाम लग गया। जाम लगने से वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधर लंबे जाम को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने लोगों को वैकल्पिक मार्गों पर इस्तेमाल करने की सलाह दी है। वहीं सिसोदिया बोले, लोकतंत्र का कत्लेआम कर रही बीजेपी। दिल्ली में आज MCD की स्थायी समिति का उपचुनाव है। दरअसल कल जब MCD की कार्रवाई शुरू हुई तो पार्षदों की तलाशी के मुद्दे पर हंगामा हो गया। पार्षदों को मोबाइल ले जाने से रोका जा रहा था। इस पर मेयर शैली ओबराय ने सदन की कार्रवाई 5 अक्टूबर तक स्थगित कर दी। बाद में फिर LG ने आज की तारीख तय कर दी। दिल्ली की मेयर शैली ओबराय ने कहा कि आज का स्थायी समिति का चुनाव वैध है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि MCD के सदस्य दिल्ली के विधायकों के अधिकारों का हनन है। वे इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे और आज होने वाले मतदान से आप पार्षद दूर रहेंगे। वहीं दिल्ली विधानसभा में स्पीच के दौरान केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि PM मोदी भगवान नहीं है। भाषण के दौरान आप संयोजक ने चुनौती देते हुए ये भी कहा, अगर बीजेपी के दो लोगों को जेल में डाल दो तो उनकी पार्टी टूट जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि मैं हमेशा कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत शक्तिशाली हैं और उनके पास बहुत सारे संसाधन हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज़।